Hello friends, once again welcome back to the Core Chemical Engineering channel. So today in this video I will be telling about fluid mechanics subject. So fluid mechanics subject mein jaise kaun kaun se topics hain jo aapko prepare karna hai with respect to the gate exam, okay, aur strategy kya hona chahiye preparation ke liye. Aur basically I have decided to make the tutorials on the fluid mechanics subject aur topic wise main iske upar ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है. तो बेसिकली हमें 8 टॉपिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स में कवर करना है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने मैकेविली स्मिथ बुक से लिया है. ओके, सो यू कैन सी इट हियर. फर्स्ट सेक्शन इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन. ओके, तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमें क्या देखना है कि नॉर्मल आपका डायमेंशनलेस फार्मूला क्या है, यूनिट्स क्या है, यूनिट ऑपरेशंस क्या है. तो इसके ऊपर ब्रीफ में एक छोटा सा लेक्चर मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा. ओके, तो ये सब उसके सब टॉपिक्स जो हमको पढ़ने रहेंगे. यू कैन रीड इट हियर. ओके, नाउ द सेकेंड सेक्शन दैट वी नीड टू प्रिपेयर इज फ्लूइड मैकेनिक्स. ये हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स जो कोर है, हमें प्रिपेयर करना है. इसमें बेसिकली 7 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना है. वी नीड टू रीड अबाउट 7 चैप्टर्स. सो फर्स्ट वन हियर यू कैन सी नंबरिंग इज हियर इज सेकेंड, बट आई कंसीडर इट एज फर्स्ट. ओके, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड इट्स अप्लीकेशन. सो इसके अंडर कौन कौन सा टॉपिक आएगा वो हम कवर करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स विल सॉल्व अलॉन्ग विद दैट. ओके, नाउ द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू प्रिपेयर इज फ्लूइड फ्लो फिनोमेना. ओके, सो फ्लूइड फ्लो फिनोमेना में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने रहेंगे. ओके, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जो भी रहेगा विल डिस्कस. तो इंट्रोडक्शन हो गया, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, देन थर्ड इज फ्लूइड फ्लो फिनोमेना. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज Now the fourth one is basic equations of fluid flow. Okay, और fifth one is fluid flow of incompressible fluids in conduits and thin layers. तो उसके अंडर में भी ये flow of incompressible fluids in pipes, laminar flow in pipes, turbulent flow in pipes and closed channels, flow of liquids in thin layers. Okay, all these topics will cover. Okay, one by one, and based on these topics will solve the numerical problems and also will discuss the previous years गेट क्वेश्चन पेपर. ओके, एंड विल सॉल्व इट हेयर. ओके, तो मैं कोशिश करूँगा एक चैप्टर के ऊपर एक वीडियो लेक्चर बनाऊँगा. ओके, नाउ द सिक्स पॉइंट दैट वी नीड टू स्टडी इज फ्लो ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लूड्स. इन दैट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लो, फ्लो थ्रू वेरिएबल एरिया कंड्यूट्स, एडियाबैटिक फ्रिक्शनल फ्लो, आइसोथर्मल फ्रिक्शनल फ्लो. ओके, and the seventh chapter that we need to study flow past immersed bodies, in that friction in flow through beds of solid, motion of particles through fluids like fluidization, fluidized bed, fluidization curve, all those things we'll discuss. Okay, like Kozni-Kármán equation was there in that. So all those things we'll discuss in details, and whatever the numerical problems has been asked previously in the GATE exam, that we'll also discuss in this chapter. Okay, so this was the seventh chapter. Now the last one is that we need to study is transportation and metering of fluids. So in that we need to study about pipe fittings and valves, fluid moving machinery like pumps, positive displacement pumps, centrifugal pumps, its affinity laws, its the characteristic curves, what are these characteristics curves, calculation of NPSH, all those things we'll discuss in details. Okay, and based on that we'll solve the numerical problems simultaneously. Fans, blowers, compressors, measurement of flowing fluids, फुल बोर मीटर, इंसर्शन मीटर्स, ऑल दो थिंग्स विल डिस्कस. ओके, तो ये हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स 1 to 8 टॉपिक्स जिसको हमें पढ़ना है. और हमने ये 1 to 8 टॉपिक्स कवर कर लिया. ओके, थेरेटिकल पार्ट फर्स्ट हम कवर करेंगे, और इन थेरेटिकल के ऊपर हमने अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया और प्रीवियस ईयर्स गेट के पेपर्स लगा लिए, तो आई गेस हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम गेट में आए हुए क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो गाइस ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ हमें क्या पढ़ना है, और इसी में मैं कंटिन्यू करता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट को. ओके, सो द कोर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट इज अ स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स इन इंडस्ट्रियल लिक्विड ऑपरेशंस
आई मीन अगर आपने सारा फ्लूड सब्जेक्ट पढ़ लिया है उसके बाद ये आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव है एंड आउटकम है, अगर फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है तो ये सब चीज़ें आपको आ जानी चाहिए आफ्टर रीडिंग द फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट. ओके सो दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डिटरमाइन द पाइप साइज, फ्लो रेट, पावर रिक्वायरमेंट्स अंडर डिफरेंट फ्लो कंडीशंस. थर्ड इज डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस फ्लूड सॉलिड ऑपरेशन, पैक बेड्स एंड फ्लूडाइज्ड बेड्स यूज इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज. ओके नाउ द फोर्थ इज सेलेक्ट फ्लूड मूविंग मशीनरी लाइक पम्प्स, ब्लोवर्स एंड कंप्रेसर्स फॉर अ गिवन ऑपरेशन. ओके नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज मेजर द फ्लो रेट यूजिंग डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. सो दीज आर द कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड इफ यू फिनिश दिस फ्लूड मैकेनिक सब्जेक्ट दिस विल बिकम द कोर्स आउटकम. मतलब आप वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए. राइट नाउ द हेयर विल सी कि आपका केमिकल जो इंडस्ट्री होता है उसमें फ्लूड मैकेनिक सब्जेक्ट का रोल क्या होता है एज एंड एज ए केमिकल इंजीनियर आपका रोल क्या होता है. सो यू कैन सी इट हेयर केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ फ्लूड थ्रू पाइप्स, पम्प्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट. ओके एंड द रोल ऑफ केमिकल इंजीनियर वुड बी टू डिज़ाइन पाइपिंग सिस्टम और एनालाइज द एग्जिस्टिंग वंस, डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग फ्लूड्स, सेलेक्ट अ प्रॉपर फ्लूड मूविंग मशीन्स एंड फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस. ओके सो दिस वॉज द ब्रीफ अबाउट द फ्लूड मैकेनिक्स. नाउ विल गो इन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. यूनिट सिस्टम. यूनिट सिस्टम में आपका क्या फंडामेंटल यूनिट्स आप देख सकते हैं. एयर इज मास, मास यूनिट इज केजी, लेंथ इज मीटर, टाइम इज सेकेंड, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इज मोल, एनर्जी और वर्क इज अ जूल, केजीएफ इज द ग्रेविटेशनल यूनिट, फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. ओके केजीएफ पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इज गिवन एज अ प्रेशर. नाउ फॉर प्रेशर वन एटमोसफेयर इज इक्वल टू 1.013 न्यूटन 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इज इक्वल टू पास्कल. ओके अभी ये वन एटमोसफेयर इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी. तो प्रेशर को इन सारे यूनिट्स में लिख सकते हैं. ये सारे यूनिट्स की वैल्यूज आप याद रखें तो बेटर होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है कभी कभी क्या होता है आपको mmHg में दे दिया जाता है, आपको कैलकुलेट करना है एटमोसफेयर में ले जाके उसको सारे सारे यूनिट में दे दिया, तो इन दैट केस इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके सो दीज यूनिट्स यू मस्ट रिमेंबर और यू मस्ट नो द कन्वर्जन ऑफ दीज यूनिट्स. ओके नाउ द टेम्परेचर रिलेशन बिटवीन द फारेनहाइट एंड द डिग्री सेल्सियस. यू कैन सी इट इज इट टेम्परेचर इन फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के एंड वन रैंकिन इज इक्वल टू 1/1.8 केल्विन. टेम्परेचर इन रैंकिन इज इक्वल टू 459 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट. मतलब 459 इसको लिखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बट एग्जैक्ट वैल्यू इज 459.67 ईयर. नाउ एब्सोल्यूट प्रेशर इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमोसफेयर प्रेशर एंड इफ द प्रेशर इज बिलो एटमोसफेयर प्रेशर देन एब्सोल्यूट प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड एज माइनस ऑफ गेज प्रेशर प्लस एटमोसफेयरिक प्रेशर. ओके वन न्यूटन इज इक्वल टू दिस वैल्यू 1 kgf इक्वल टू 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 lbf इक्वल टू 32.17 lbm फीट बाय सेकेंड स्क्वायर. ओके नाउ 1 lbf का ये कन्वर्जन का फॉर्मूला दिया हुआ है. जी सी इज इक्वल टू 32.17 lbm फीट बाय सेकेंड स्क्वायर lbf, जी सी इज इक्वल टू 1 इन SI यूनिट. ओके 1 kgf इक्वल टू 9.8 यूनिट. सो नाउ यू हैव इफ समवन आस्क्स लाइक कन्वर्ट व्हाट 1 न्यूटन टू lbf थ्रू फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो यू मस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट. ओके सपोज 1 न्यूटन इज गिवन, मतलब कोई भी फंडामेंटल, मतलब आपको किसी चीज़ को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज़ करके मतलब कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर. तो kg को क्या है आपको lbf मिल करना है, तो 1 lb इज इक्वल टू क्या होता है आपका 453 ग्राम. तो kg में क्या हो जाएगा 1/0.53 lb. ओके नाउ इंटू 1 meter इक्वल टू 0.3048 मीटर होता है, तो मीटर की जगह ये वैल्यू हम रख सकते हैं 1 meter इक्वल टू 1 feet डिवाइड बाय 0.3048. ओके सेकेंड स्क्वायर. सो इफ यू कैलकुलेट यू विल फाइंड दैट 1 meter न्यूटन इज इक्वल टू 0.225 lbf. राइट नाउ विल सी इन फ्लूड मैकेनिक्स डायमेंशनलेस फार्मूला. ओके इंटू द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो फर्स्ट वन इज रेनॉल्ड्स नंबर. सो रेनॉल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज इनर्शियल फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड डिवाइड बाय विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लूइड.
So his formula is Reynolds number is equal to dB rho divided by mu. When Reynolds number is less than 2100, okay, it is called laminar flow. When Reynolds number is in between the 2100 and the 4000, okay, so Reynolds number must be greater than 2100 and lesser than the 4000, then it comes under the transition flow, okay. And when Reynolds number is greater than 4000, then the fluid flow is turbulent, okay. So fluid flow pattern would be turbulent flow, okay. So the Reynolds number application is, it determines whether the pipe flow is laminar or turbulent to determine the flow design basically. तो क्या इसका पर्पज रेनॉल्ड्स नंबर क्या फ्लो डिज़ाइन बताता है कि मतलब उसमें टर्बुलेंस कितना है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, ओके, लाइक लेमिनार ट्रांजिशन और टर्बुलेंट, इन तीन केसेस में हम इसको डिवाइड करते हैं बाय द कैलकुलेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ओके. नाउ द व्हाट इज फ्रॉड नंबर, दिस फ्रॉड नंबर इज एनालॉगस टू मैक नंबर, सो इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ग्रेविटी फोर्स. द फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय डी जी डी. सो द एप्लीकेशन ऑफ फ्रॉड नंबर इज, the Frod number is used to compare the wave making resistance between bodies of various sizes and shapes. It is used to determine the resistance of a partially submerged object moving through water and permits the comparison of objects of different sizes, okay. Now we'll move to the Euler's number. So Euler's number is defined as the inertial force of a flowing fluid divided by pressure force, so is equal to rho v square by delta p. Kabhi kabhi Euler's number aur जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर है इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है. तो रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ क्या है, इनर्शियल फोर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूड डिवाइड बाय विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लूड. बट हेयर इन द यूलर्स नंबर इज इनर्शियल फोर्स तो है ही डिवाइड बाय यहाँ पे प्रेशर फोर्स है. तो जब भी प्रेशर फोर्स आ जाए वो क्या आ जाएगा, यूलर्स नंबर आ जाएगा. एंड द एप्लीकेशन ऑफ यूलर्स नंबर इज, इट इज यूज फॉर एनालाइजिंग फ्लूड फ्लो डायनामिक्स प्रॉब्लम्स वेयर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट. मतलब जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे हम लोग यूलर्स नंबर का यूज़ करते हैं, ओके, जहाँ पे डेल्टा पी होता है. सो इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ए लोकल प्रेशर ड्रॉप ओवर अ रिस्ट्रिक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ओवर अ वॉल्यूम एंड इज यूज टू कैरेक्टराइज लॉसेस इन द फ्लो. इफ यूलर्स नंबर इज इक्वल टू वन फॉर, मतलब यूलर्स नंबर इज इक्वल टू वन अगर दिया हुआ आपका, तो दिस इज फॉर परफेक्ट फ्रिक्शनल लेस फ्लो. मतलब यूलर्स नंबर अगर वन आ गया तो मतलब आपको कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं है. सो वेबर नंबर, सो वेबर नंबर इज डिफाइंड एज इनर्शियल फोर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड डिवाइड बाय टेंशन फोर्स. वेबर नंबर इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर डी डिवाइड बाय सिग्मा, ओके. तो वी इज वेलोसिटी हो गया, डी ड्रॉपलेट डायमीटर हो गया, और सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन हो गया. सो द एप्लीकेशन ऑफ वेबर नंबर, इट इज used in analyzing fluid flows where there is an interface between the two different fluids, okay, especially for multi-phase flows with strongly curved surfaces. The quantity is useful in analyzing the film flows and the formation of droplets and bubbles, okay. So Weber number ka ye application hai. Now the fifth one is the Mach number. So Mach number kya hai, velocity of fluid divided by velocity of sound in, okay. और कॉशी नंबर भी डिफाइंड है. कॉशी नंबर क्या होता है आपका, इनर्शियल फोर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड डिवाइड बाय इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स हम कर देते तो कॉशी नंबर बोलते हैं. और यहाँ मैक नंबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड. सो द एप्लीकेशन इसका क्या है, द थ्री इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ मैक नंबर क्या होता है आपका, तीन मतलब मैक नंबर का तीन इंपॉर्टेंट मतलब इसका क्या है रीजन्स होते हैं. वन आपका एम लेस देन होता है उसको क्या बोलते हैं, सबसोनिक होता है. वन एम इज इक्वल टू वन होता है उसको सोनिक बोलते हैं. वन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है उसको सुपरसोनिक बोलते हैं, ओके. फॉर वेलोसिटी टू इंक्रीज एरिया मस्ट बी डिक्रीज, ओके. अगर वेलोसिटी आपका इंक्रीज करना है, ओके, तो एरिया क्या करना है आपको, मस्ट बी डिक्रीज करना है. फॉर सबसोनिक फ्लो डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा पी आप निकालते हो ओवर द लेंथ एक्स लेते हो, डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा. मतलब इस वाले एरिया में ये वाला एम ए लेस देन वन, मैक नंबर वन लेस देन वन है उसको क्या बोलते हैं, सबसोनिक. तो यहाँ पर क्या है, डी पी बाई डी एक्स लेस देन जीरो रहेगा. तो इस ओके जैसे आप ये वाले रीजन में पहुंचोगे क्या जाएगा आपका, एम ए ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ओके. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरसोनिक बोलते हैं. और वन एम इज इक्वल टू वन हो जाता है जब दोनों ऐसा कंडीशन, जब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल हो जाता है, तो वहाँ उस केस में क्या होता है, एम इज इक्वल टू सोनिक आ जाता है. वो रीजन कहीं पर यहाँ पर ऐसा आएगा. तो यहाँ पे भी क्या होता है आपका लेस देन वन आएगा, यहाँ भी लेस देन आएगा, लेकिन ये थोड़ा जो ट्रांजिशन ये वाला फेज बनता है यहाँ पे ग्रेटर देन वन आ जाता है मैक नंबर का, ओके. तो इसको क्या बोलते हैं हम, सुपर सोनिक रीजन बोलते हैं. सो गाइस आई गेस
या हेयर विल कंटिन्यू। ओके, तो थोड़ा डिफिनेशन और देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो शियर क्या होता है? इट इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू अनदर लेयर बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। शियर स्ट्रेस किसे बोलते हैं? शियर स्ट्रेस इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर फोर्स टू द एरिया ऑफ द लेयर। तो टाउ इज इक्वल टू एफ एस बाय ए एस। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसे कहते हैं? इफ द डेंसिटी चेंजेज ओनली स्लाइटली विद मॉडरेट चेंजेज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्लूइड इज सेट टू बी इनकम्प्रेसिबल। ओके, लाइक लिक्विड्स। ओके, कंप्रेसिबल फ्लूड किसको बोलते हैं? इफ डेंसिटी चेंजेस आर सिग्निफिकेंट विद मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्लूड इज सेट टू बी कंप्रेसिबल लाइक गैसेस। नाउ कम्स द पास्कल्स लॉ। ओके, सो द पास्कल्स लॉ इज डिफाइंड एज द प्रेशर इन इन अ स्टैटिक फ्लूड एट एनी गिवन पॉइंट इज एट एनी गिवन पॉइंट इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम इन ऑल एलिवेशन। मतलब पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू यूकर, कोई आप वैसे ले लो और तीन पॉइंट ऐसे लिख दो यहाँ पे, तो अगर तीनों सेम एलिवेशन में तीनों का प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम आएगा, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू जेड। सो अप्लीकेशन क्या? हाइड्रोलिक ब्रेक, इन केस हाइड्रोलिक ब्रेक में इसका यूज होता है सिस्टम में हाइड्रोलिक प्रेशर। सो पार्कल्स पास्कल्स स्टेट्स दैट द प्रेशर एग्जर्टेड एनी वेयर इन अनदर टर्म, अगर आप देखोगे तो इट स्टेट्स दैट द प्रेशर एग्जर्टेड एनी वेयर इन अ मास ऑफ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। ओके, तो इस वाले एप्लीकेशन पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन का भी यूज, मतलब जो ब्रेक सिस्टम होता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, उसमें हम यूज़ करते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी दैट विल स्टडी अबाउट हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इन द सेकेंड लेक्चर। ओके, बैरोमेट्रिक क्वेश्चन हो गया आपका, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, दिस विल आल्सो स्टडी इन डिटेल्स। नाउ कम्स द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स, इंक्लाइंड मैनोमीटर, इसका डेरिवेशन, ओके, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर्स, कैसे ड्राइव होता है, राइट, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस इन द next tutorial. Okay, so guys, stay tuned with this video. Okay, and if you guys like this video, don't forget to share and subscribe. Okay, aur aapko kuch cheeze aur seekhni hai apart from this video, okay, you can comment in the comment box. Okay, I'll definitely reply or I'll come with the new videos for that. Okay, so guys, thank you so much.